Welcome to Time News Studios. You are watching 7 p.m. Bulletin. वफाकी काबीना सिंध पंजाब आए वफाक जे इरसा मेंबर्स के नाअहली जी बुनियादन ते हटाए छो। सिंध जे मेंबर मजहर अली शाह पंजाब जे राव इरशाद ए वफाक जे असद इम्तियाज अली के हटाए टेलीमेंट्री सिस्टम में देर ए फंड्स बाबत इंक्वायरी कराने जो फैसलो। सिंध ए पंजाब जे हुकूमतन का मेंबर्स लाए नवा नाला तलब। दरियाउन जा वाकिरा मापन लाए 7 हंधन ते टेलीमेंट्री सिस्टम लगाने जो फैसलो। रोजानी पंजी अखबार 18 मई ते यह खबर दे चुकी हुई त इरसा मेंबर्स के हटाने जो तैयारियों कई पे वजन। अब वक्त आ गया है कि आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। एमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए, इन नाहल नालायक लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। आखिर में अगर ये दो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। पीटीआई सिंध में माली एमरजेंसी गवर्नर राज लागू करण जो मुतालबो कर छो। ओपोजिशन लीडर फिरदोस रमीम नकवी ए बन अगवाणन है त गवर्नर राज लागू करण में को ऐब ना है। वफाक आइन के आर्टिकल 235-149 इस्तेमाल करे सिंध हुकूमत के संभाले। बेरोजगार सियासी लीडरान ने कई बार ये शोषा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का, लेकिन ये शोषे ही होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो जाते। मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि काम वाम इनको छोटा मोटा दे दें ताकि ये लोग भी काम से लगे, आप लोगों को भी वक्त जाया ना करें, कौम को भी वक्त जाया ना करें। अलीम आदिल शेख साहब अपने आप को सच्चाई के हक के दावेदार कहते हैं, वो कहते हैं ना मैं डरता नहीं हूँ, गिरफ्तार कर लो। तो भाई तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें हीरो नहीं बनाएंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब चवा है तो कुछ बेरोजगार सियासतदान अग जिया गवर्नर राज जो शोशो चले रहा है। आइन के आर्टिकल 235 में गवर्नर राज जो जिक्र ही ना है। शहबाज शरीफ लाए सियासत इक्तदार जो नालो है, वे समझन था तो एहतसाब का बचन लाए इलेक्शन जो ड्रामो रचाइंदा। शहबाज शरीफ जो नालो ईसीएल में विझण से गौर थी रो है। वफाकी वजीर शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे ईद का अग शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामू अची वी। वफाकी काबीना के 27 वजारतन गैर कानूनी भर्तियन बाबत तफसील फ्राहम कया। रहल वजारतन के एक हफ्ते की मोहलत दिनी वही। वफाकी वजीर चयो तो इन वक्त 638 मानू गैर कानूनी तौर नौकरी कर रहा है। सिंध में औरतन बारन आए बुजुर्गन लाए मोटरसाइकिल की बेल सवारी तां पाबंदी खत्म। पुलिस समेत कानून लागू कंदड़ इदारन सहाफिन आए बियन आम मानून ते पाबंदी बरकरार हुंदी। नो नोटिफिकेशन जारी। कौमी मालियाती कमीशन में हफीज शेख सूधो बिन मेंबर्स जी मुकररी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नून लीग अगवान कुरम दस्तगीर तरफा दाखिल करायल दरख्वास्त में बिन मेंबर्स जी मुकररी गैर आइनी करार। दरख्वास्त में सदर आरिफ अलवी तरफा जारी कल नोटिफिकेशन के गलतम करार दींदे मौकिफ रखे वो है त मालियाती कमीशन की जोड़जक दौरान आइन के आर्टिकल 160 की भंजकड़ी कई वी है। कमीशन की जोड़जक में सूबन सा मुशावरत के नजरअंदाज कर वो है। छंछर ए आचर से शॉपिंग मॉल्स खोलने जो हुक्म ईद की रोशनी में दिनों हो। ईद का पोए सूरतहाल जो जायजो वरतो वो। सुप्रीम कोर्ट है तो सिंध सरकार समूरियों ऑफिस खोले छड़ियों ए सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी खोली वही है। सब का वही करप्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में थे थी। कोरोना बाबत पान मुरादे नोटिस के बुधनी दौरान रिमार्क्स देंदे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तो कोरोना मरीज के दुनिया जहान जो दवाओं दिनों वन थी। करंतीना सेंटर्स में 10-10 मानू रखा वन हि कड़ी करंतीना है। चीफ जस्टिस चीन में एक ही कंपनी का घटिया माल घुराए 10 रुपये की शे हजार में विक्रो कई वे थी। बुधनी 8 जून तीन मुलतवी। नैब आसिफ जरदारी के अगोणे पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश बैनुल सूबाई राबतन के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी आरिफ इब्राहिम ए अगोणे वफाकी वजीर अकरम खान दुरानी खिलाफ़ जांच की मंजूरी दे छी।
चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत हेठ नैब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास दौरान परडेही खाते के ऑफिसर्स खिलाफ जांच सूधो टिन इंक्वायरीज की मंजूरी नैब चेयरमैन है तो हाउसिंग सोसाइटीज मुबैना तौर रुगो कागजन में मौजूद होंदियों हाउसिंग सोसाइटीज के वदंदड़ अंगन से लागापिल रेगुलेटरी इदारा पंजो किरदार अदा कन नैब बिन साल के अरसे में करप्शन जहा 178 अरब रुपया उगाड़े कौमी नाणे में जमा करा चुको है। सुभाणे खां पूरे मुल्क में जज्वी ट्रेन बहाली लाए तैयारियों शुरू मुसाफिरन लाए एसओपीस जारी मुसाफिर एक कलाक पहरी मास्क पाए स्टेशन अचन सैनिटाइजर्स रेलवे पारा फ्राहम कया वेंदा रेलवे के वफाकी वजीर शेख रशीद है त जरूरत पई त वधीक ट्रेनू हलायूं वेंदियूं मजबूरी में पिशावर लाए टे ट्रेनू हलायूं पे वञनि। सिंध में गुजरियल 24 कलाकन दौरान कोरोना सबब रिकॉर्ड 19 फौतगियों फौतन जो कुल अंग 299 थी वो 706 नवा केस जाहिर थियण बाद सूबे में कोरोना मुतासरन जो अंग 17,947 थी वो कराची में 558 हैदराबाद में 20 लाड़काणो में 16 शिकारपुर सखर में 6 नवा केस रिपोर्ट वबा में 252 जणा सेहतियाब वरी वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त 135 मरीजन की हालत गणती जोगी आहे जॾहिं त 34 मरीज वेंटिलेटर ते आहिनि। ये बात क्लियर है ये जो कैसे अगवा पर तावन का था जाति तकरार जमीन तकरार की शुरुआत में आपने जो इन्वेस्टिगेशन की थी नहीं वो क्लियर हो गया वो इन्होंने भी क्लियर की है लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे उससे हम बिल्कुल ही उसमें दम हो जाएगा और जो मुलजमान है उनका हमें पता चल जाएगा कि प्रू सेंट्री रोड पे आज 6:30 बजे वो छोड़ के गए ऐसे जो साहब को ये मिले वो मुझे बात आपकी बंद करके उन्होंने बोला अभी आप पुलिस पे प्रेशर कम करो हम आपको लीड करेंगे। ये बात क्लियर है ये जो कैसे अगवा पर तावन का था जाति तकरार जमीन तकरार की शुरुआत में आपने जो इन्वेस्टिगेशन की थी नहीं वो क्लियर हो गया वो इन्होंने भी क्लियर की है। खिप्रो के मूवी व्यापारी गुलाब राय के 14 डीन का पोए ड्रामाई बाजियाबी व्यापारी गुलाब राय बाजियाबी बाद खेस भुंग लाए अगवा किया वो हो पर पुलिस दबाव बाद छो वो एसएसपी सांगड़ जीशान सिद्दीकी बाजियाब व्यापारी से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे गुलाब राय के बिना भुंग के धाड़ेल लाल खान शाख के रस्ते से छड़े वह व्यापारी की बाजियाबी से संदस मिट माइटन दोस्तन जहा हजूम कटी वह इलाके वासन में सराही जडे त एसएसपी के सोनी चैन पाराए अजरकू भी ओढ़ाई वो। गुलाम अहमद बिलोर का पोए अवामी नेशनल पार्टी जो एक बो अगवान कोरोना वायरस को शिकार मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव अचन बाद पान के आइसोलेट कर छो मियां इफ्तिखार एएनपी अगवान जाहिद खान के कोरोना वेघे फौत थियल भा के जनाजे नमाज में शिरकत कई हुई। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन 15 जून तक इजाजत न मिलने की सूरत में पान मुरादों निजी स्कूल्स खोलने ऐलान कर छो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे अगवाणन है तो स्कूल्स जहा मालिक मुआशी बदहाली जो शिकार थी वन बारन की तालीम भी मुतासिर थी रही है हाँ भले खेन जेल भेड़ो किया वे स्कूल्स लाजमी तौर खोलिया वा जामशोरो हैदराबाद में भी निजी स्कूल्स एसोसिएशन तरफा फौरी तौर स्कूल्स खोलने जो मुतालबो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बिन वाक्य में एफसी जहा 7 अहलकार शहीद थी वह शहीदन में नायक मौला बख्श नायक नूर मोहम्मद ड्राइवर अब्दुल जब्बार शामिल डीजीआईएसपी आज चवणा है तो बलूचिस्तान में बिन वाक्य में 7 जवान शहीद थे मच में दहशतगर्दन एफसी की गाड़ी के आईईडी जरिए निशानो बनाया 6 अहलकार शहीद केच में दहशतगर्दन की फायरिंग में सिपाही इमदाद अली शहीद थी वो। सिंध में कोरोना सबब टे हयातियों जाया जामशोरों में 7 नवा केस आए घोटकी में कोरोना जहा 8 केस जाहिर थियण बाद जिले में मुतासरन जो अंग 150 थी वो शिकारपुर में 26 जणन के वरतल टेस्ट में 6 जणन में कोरोना वायरस की तस्दीक दादू में औरत सूधो 2 जणन की रिपोर्ट पॉजिटिव अची वही सेवण में 12 जणन जा कोरोना टेस्ट लाए नमूना वरता वया दौड़ में 9 जणन की बीहर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव अची वही कोरोना में मुब्तला गुलारची वासण औरत हालत खराब थियण करे कराची मुंतकिल कंबर में कोरोना जा 7 नवा केस रिपोर्ट। सिंध में चितन कुतन जो आजार न घटो लाड़काने में एक ही डी अंदर चितन कुतन 22 जणन के डाड़े विधो मुतासरन में 10 बार एक औरत 11 मर्द शामिल
पनवाखिल में चितन कुत्तन एक नींगरी समेत बिन जन के डाढ़े विधो। कुंभ और खानपुर महर में भी टे बारड़ा कुत्तन चके जख्मी कर विधा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हवा रिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।